Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या एक सवाल जो मेरे पेशेंट्स मेरे से बहुत रेगुलरली पूछते हैं मोतियाबिंद या कैटरैक्ट के बारे में। अक्सर जब मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि आपकी आंख में सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट की प्रॉब्लम आ गई है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब, क्या कोई तरीका है कि बिना ऑपरेशन के इस मोतियाबिंद का इलाज करा जा सके? और दूसरा उनके मन में क्वेश्चन होता है कि क्या डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन इमरजेंसी है, क्या हम अभी रुक सकते हैं? और कभी कभार मेरे पेशेंट्स इस तरह का क्वेश्चन भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि अगर आँख में मोतियाबिंद आ गया है तो वेट करना चाहिए, मोतियाबिंद को पकने देना चाहिए और फिर इसका ऑपरेशन कराना चाहिए। तो आज के वीडियो में इन तीनों क्वेश्चंस का मैं आपको बिल्कुल क्लियर, फैक्चुअल और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मोतियाबिंद का इलाज बिना ऑपरेशन के करे जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, आज की डेट में 2023 में हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज की डेट में मोतियाबिंद या कैटरैक्ट का सिर्फ एक और एक ही इलाज है कि ऑपरेशन करके आंख के अंदर जो मोतियाबिंद की वजह से लेंस सफ़ेद हो गया है उसको निकाल दो और उसकी जगह पर एक नया साफ सुथरा लेंस डाल दो। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने से पहले आपको आंख का मॉडल थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोतियाबिंद होता क्या है। तो क्या होता है कि ऊपर वाले ने हमारी आंख का एक सिस्टम बनाया है। क्या सिस्टम है कि आंख में लाइट सामने से आती है, ये लाइट काली पुतली और आंख के अंदर जो ये लेंस है इससे होते हुए आंख के पर्दे पर फोकस होती है और यहाँ से ये लाइट एक नस जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ये नर्व इस लाइट के सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है और हम देख पाते हैं। ऊपर वाले ने हम सबकी आंखों में जो लेंस बनाया है इस लेंस को बिल्कुल शीशे की तरह साफ बनाया है, क्लियर बनाया है या ट्रांसपेरेंट बनाया है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम सबके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे ही अक्सर बढ़ती उम्र के साथ हमारे आँखों के अंदर ये जो लेंस होता है ये भी सफ़ेद हो जाता है। तो ये जो नेचुरल लेंस जो ऊपर वाले ने शीशे की तरह साफ बनाया है, जब ये बढ़ती उम्र के साथ सफ़ेद पड़ जाता है, इस सफ़ेदी को हम लोग सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहते हैं। अब अगर ये लेंस सफ़ेद हो गया तो आँख में जो लाइट आ रही है वो इस सफ़ेदी की वजह से रुक गई और पूरा पर्दे तक पहुँच नहीं पा रही, इसलिए एक पेशेंट को धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, 2023 में आज की डेट में भी मोतियाबिंद का सिर्फ एक और एक ही इलाज है जो है ऑपरेशन। एक छोटे से 10 मिनट के ऑपरेशन से ये जो अंदर का लेंस सफ़ेद हो गया जिसमें मोतिया बन गया है इसको निकाल दो और इसकी जगह पर एक नया साफ सुथरा लेंस डाल दो, जिससे लाइट के अंदर का रास्ता फिर से साफ हो जाता है और आपको दिखना शुरू हो जाता है। और इनफैक्ट आजकल के मोतियाबिंद के ऑपरेशन इतने एडवांस हो गए हैं कि इन ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। आंख में सिर्फ नंब करने वाली, सुन करने वाली दो बूंदें डाली जाती हैं और 10 मिनट में बिना किसी दर्द के बहुत ही आराम से ये ऑपरेशन हो जाता है। तो मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ एक है, ऑपरेशन, और कोई जड़ी बूटी, कोई योगा, कोई मसाज, कोई आयुर्वेदा की ड्रॉप्स, कोई होम्योपैथी की ड्रॉप्स, आँख में गुलाब जल, घी, इन सब चीज़ें, जल नीति करना, हरी सब्जियाँ खाना, फल खाना, इन सब से मोतियाबिंद का इलाज नहीं हो सकता।
मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ एक है और वो है ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर मेरे पेशेंट्स पूछते हैं जब मैं उनको बताता हूं कि आपकी आंख में मोतियाबिंद आ गया है, तो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या एकदम से ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक एमरजेंसी है, क्या हम थोड़ा सा रुक सकते हैं, और हमने अक्सर सुना है कि अगर आंख में मोतियाबिंद आ गया तो उसको पकने दो और तब इसका ऑपरेशन करा जाए। तो ये मिथ भी मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन 99% केसेस में इमरजेंसी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप आज डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने देखा कि आपकी आंख में मोतियाबिंद है और कल ऑपरेशन कराना है। इस ऑपरेशन को प्लान करा जा सकता है। हाँ, हम ये सलाह देते हैं कि बहुत ज़्यादा ना रुका जाए, लेकिन प्लानिंग करके आप 1 से 2 महीने में आराम से करा सकते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक इमरजेंसी की तरह जल्दी करना पड़ता है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका ऑपरेशन एक इमरजेंसी है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में 99% केसेस में मोतियाबिंद का ऑपरेशन इमरजेंसी में नहीं आता। इसको आराम से प्लान करके जब आप 10 दिन की छुट्टी ले सको, घर पर कोई आपके साथ हो, आपका ख्याल रख सके, तो आराम से प्लान करके आप इस ऑपरेशन को करा सकते हैं। फिर मेरे पेशेंट्स ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने सुना है कि अगर आंख में मोतियाबिंद आ जाए तो उसको पकने दो, जल्दी ऑपरेशन ना कराओ, एक बारी मोतियाबिंद पक जाए फिर ऑपरेशन कराओ। देखिए, इस बात में कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये बात जो है ये पुराने जमाने की बात अब हो गई है। देखिए, क्या होता था पुराने जमाने में, हमारे पास मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए लेजर्स वगैरह तो नहीं होते थे। पुराने ज़माने का ऑपरेशन होता था टांकों वाला ऑपरेशन। उसमें क्या होता था कि हमारी आँख में मोतियाबिंद, ये मोतियाबिंद बनना शुरू हो गया तो हम लोग पेशेंट को कहते थे कि अभी मोतियाबिंद शुरू हो गया, आप रुक जाओ, मोतियाबिंद को पकने दो। उससे क्या होता था कि पक के मोतियाबिंद बिल्कुल एक सख्त दाने जैसा बन जाता है, और फिर हम क्या करते थे कि आँख में एक बड़ा सा चीरा लगाया, इस दाने को बिल्कुल साबुत आंख से निकाल लिया, इसकी जगह पर एक नए लेंस को डाल दिया और आंख में 6-8 टांके लगा के आंख को बंद कर दिया। लेकिन ऑफ कोर्स ये टांके वाले ऑपरेशन पेशेंट के लिए भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होते थे, दर्द होता था, रड़कन होता था, इसकी रिकवरी फास्ट नहीं होती थी, बहुत ध्यान रखना पड़ता था। आज के ज़माने में टांके वाले ऑपरेशन ख़त्म हो गए हैं। आजकल हम लोग ऑपरेशन करते हैं लेज़र से, जिसमें आंख में एक टांका भी नहीं लगता। लेकिन लेज़र वाले ऑपरेशन का इफ़ेक्ट अच्छा है, उसकी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मोतियाबिंद नहीं पकना चाहिए, क्योंकि अगर मोतियाबिंद कच्चा है तो वो सॉफ्ट है। जितना मोतियाबिंद सॉफ्ट होगा उतने ही कम लेज़र से हम उसके ऑपरेशन करके उसको ठीक कर देंगे, और जितना मोतियाबिंद पकता जाएगा उतना मोतियाबिंद हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमें आँख में लेज़र डालना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए, और एक टाइम के बाद यही लेज़र आँख को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। तो आज की डेट में सारे आंखों के डॉक्टर्स की ये सलाह होती है कि क्योंकि लेटेस्ट इलाज लेजर से होते हैं तो लेजर ऑपरेशन में मोतियाबिंद को पकने नहीं देना, मोतियाबिंद को कच्चा ही निकाल लेना है। तो आजकल हम लोग पेशेंट से कहते हैं कि जब भी आपके रोज़मर्रा के काम में मुश्किल आना शुरू हो जाए, जो भी आप काम करते हैं, सपोज बैंक में काम करते हैं, कोई आप ट्यूशन का काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, और आपको लगता है रोज़मर्रा के काम आपके नहीं हो पा रहे, आँख में धुंधलापन आ रहा है, रात को गाड़ी चलाते हैं चौंध आ रही है, डबल डबल दिखता है, सितरंगा दिखता है, इस तरह के सिम्टम्स बन रहे हैं, डॉक्टर से चेक कराइए। मोतियाबिंद अगर डायग्नोस होता है इमरजेंसी नहीं है, लेकिन आराम से 1-2 महीने में आपको प्लान करके उसका इलाज करा लेना चाहिए। अक्सर लोग मेरे से ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मोतियाबिंद का आजकल लेटेस्ट इलाज कौन सा है और कौन सा लेटेस्ट लेंस यूज करना चाहिए। तो देखिए, आजकल का जो लेटेस्ट मोतियाबिंद का इलाज है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेड फेमटो लेजर ब्लेडलेस कैटरेक्ट सर्जरी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। 10 मिनट का ऑपरेशन है, बिना दर्द, बिना टांके, बिना ब्लेड के हो जाता है। और आजकल जो हम सबसे बढ़िया लेंस मानते हैं उसको ईड ऑफ कैटेगरी के लेंसेज कहते हैं, जिसमें एक एल्कॉन का विविटी लेंस और जॉनसन जॉनसन का आई हैंस लेंस, ये दोनों लेंसेज आज की डेट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है।
राइट। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको और नॉलेज मिली होगी मोतियाबिंद के बारे में। तब तक के लिए आपके मन में कोई भी और डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।